न्यू वीडियो आ चुकी है जहां पर वो मिलने जा रहे हैं अपने भाई से जो कि 5 साल तक वो नहीं मिले, 5 साल बाद आप उनसे मिलने जा रहे हैं। तो उनकी न्यू व्लॉग आ चुका है, तो करते हैं रिएक्शन, देखते हैं क्या मजेदार व्लॉग ये होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फॉर एलवी यादव, सो लेट्स बूम। तो पीछे बैठ, पीछे बैठ, तू पीछे बैठ। मग यार मग एक मग मग एक खास बंदे को लेके आया हूं, मग तेरे से मिलना चाहता है। लोग रुक जाओ, देख जा रहा हूं मैं, प्रैंक होने वाला है आज तो बहुत बड़ा। रिएक्शन देखना पड़ेगा जब विशाल बोलने वाले अपने भाई से। हनुमान जी महाराज की जय हो। राम राम भाई, सभी लोगों को वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, अनदर व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी कस्टम गैराज से। ओके, मैं कह रहा हूँ फूफा जी, वो कहाँ गई एक और ओपन वाली गाड़ी? कौन सी ओपन थी, जो ओपन लाल कलर की? वो तो वापिस भेज दी, अब उसकी जगह ये आई हुई है ना। इसको करेंगे रिस्टोर, इसको रिस्टोर करके इसी में चलो। अब अभी कहाँ चल रहे हैं? अभी हम गौशाला जा रहे हैं, कामधेनु गौ माता के दर्शन। अभी गौ माता के दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार बताना कौन सा है वो, कौन सी गाय है वो? जो कामधेनु गाय है, जो इच्छाएं पूर्ति करती है, अपनी इच्छा मांगो सब इच्छा पूर्ति करती है। यस, तो पॉजिटिव वे में। उस गाय की एक अलग स्टोरी भी है, वो गाड़ी में बैठ के बताएंगे क्या स्टोरी है। हाँ जी गाइस, मैं कह रहा हूँ फुफा जी वाली कहानी सुनाना जो आप बता रहे थे गाय गाय के क्या क्या हुआ था उसमें। काम देनु गाय जब ये छोटी बच्चिया थी तो इसके वहाँ आंखों की रोशनी नहीं थी, और गाय गौशाला वालों ने महामृत्युंजय पाठ कराया था तब उनकी आंखों की रोशनी आ गई थी। मतलब रोशनी आ गई महामृत्युंजय जाप से। भाई महादेव का आशीर्वाद है यार, महादेव का चमत्कार। अब वहाँ पे ये हो गया सीन, अब उसको दिखता है गाय बिल्कुल, अभी आप लोग सब देखेंगे। वाओ यार, तो वहाँ भीड़ होगी इस टाइम? ना ना, कोई भीड़ नहीं। अच्छा, तो क्योंकि वहाँ तो लोग भगाते जाते रहते हैं ना पूरे दिन, तो कोई भीड़ नहीं, अपना आराम से दर्शन होंगे। और एक गौशाला नहीं है ये, मन वो है डॉक्टर क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल गाय वगैरह का इलाज होता है। वहाँ पे सारी चीजें दिखाएंगे अभी सबको कि कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जो भी मन्नत मांगो वहाँ पूरी होती है, ऐसा भी है? बिल्कुल बीच में भाई सरप्राइज कर रहे हैं मैं नवीन भाई जिसको नहीं पता, मेरी सगी बुआ जी के लड़के, तो बहुत टाइम होगा, कितना ही टाइम होगा मिले, सरप्राइज देंगे आज। मेरी शक्ल तो वैसे वही है, वो ये ना कहेंगे तू तो चेंज हो गया। एक सेकंड, भाई कौन सी जगह है ये? फर्रुखनगर, ऐतिहासिक दरबार है फर्रुखनगर। ओके, फर्रुखनगर का दरवाजा। ओके, फर्रुखनगर का दरवाजा भाई जिसमें से हम गुजर रहे हैं अभी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये। फर्रुखनगर के गोलगप्पे नहीं है क्या? फर्रुखनगर के थे ना वो पीछे राधे स्वीट्स पे गए बेटा, आगे नहीं आया कुछ ऐसा बढ़िया सा, पीछे भी रेडी खड़ी थी, रेडी नहीं वैसे, यहां से लेफ्ट लेना, लेफ्ट यहां इधर, हां अभी ले रहा हूं। लो भाई सरप्राइज ही कर, रुक तू पीछे बैठ, पीछे बैठ, तू पीछे बैठ। मग यार मग एक खास बंदे को लेके आया हूँ, मग तेरे से मिलना चाहता है। लो अभी तक तो देख लिया होगा उसने, चुपचाप उतरिए, प्रैंक होने वाला गाइस। इधर बैठ, प्रैंक नहीं, एक तरह का सरप्राइज बोल सकते हैं। मैं उधर आ जाता हूँ, नहीं उधर आ रहा हूँ। सरप्राइज टू एलवी यादव बिग ब्रदर। ले भाई सिस्टम, अब देखते हैं सरप्राइज करने वाले हैं भाई को। मीटिंग माय ब्रदर आफ्टर सो मेनी इयर्स। कितने साल बाद? आई डोंट नो, मे बी 5। ये तो भूल गया, ये गाड़ी खड़ी वरना खड़ी भाई ने नवीन भाई यहाँ पे कर रखे हैं, जमीन नहीं उनकी है क्या? अच्छा, नवीन भाई ने एक्चुअली टावर बनाया है। नवीन भाई एक्चुअली यहाँ पे वो करता है सिविल इंजीनियरिंग। नवीन भाई वो इधर IAS। नवीन भाई वो यहाँ पे सिविल इंजीनियर। हेलो नवीन, कहाँ है? मैं आया था फर्रुखनगर ही तेरी साइड पे, ना तो तेरी गाड़ी दिखती ना कुछ है, गाड़ी घुस जाएगी दृश्य हो गया लेने के बाद, दृश्य हो गया नवीन भाई। अरे तेरे धारा लगेगी, मैं अंदर हूँ।
बाहर आ जा जल्दी। थैंक जो आया तो फिर रोड पे छोड़। कह रहा तेरे भी दारा लग गई जो कर अंदर हूं। लोग मामा भी कह ओए मामा की बताओ गाड़ी हम भीतर बंडी जी मजा किया। टैंक जो यहाँ से आते हैं सप्लाई जो है पूरी दुनिया में सप्लाई चेन और वो सपाटे लग रहे रोड पर। आवाज सुनाई भाई को मेरी आ रही है किधर है किधर है। पैर पकड़ के एक बार मतलब जिस तरह ना मन से भाई जो कुछ उसके मन में कुछ भी हो चाहे सही हो लेकिन आपने बहुत दिन बाद मिल रहे हो ना तो उस दिन मतलब जो भी आपने दूरी आशीर्वाद ले रहे हैं ना मिल भाई का मतलब पैर छू भाई को। अरे क्या हो गया इसको बड़ा इगोइस्टिक था इसके क्या हो गया बड़ा है। हम बड़े बड़े भाई मेरे काफी बड़े चाहे बड़ा एक दिन हो चाहे छोटा हो पैर छोड़ में हम छोटे थोड़ी बन जाएंगे हमेशा जो बात तो सही है। फलदार पेड़ ही जिसमें पावर होती है वही झुकेगा। आज अपनी सारी पावर दिखा देंगे आज पैर झुके पैर झुके तो ये भी सीख लो गाइस छू कर मेरे मन काय काय अर्घा देवी का नवीन भाई का वो आ रहे हैं वो ट्रैक्टर के पीछे गाइस हमें दिख नहीं पा रहे हैं स्लोमो में आ रहा भाई स्लोमो में आ रहा भाई। गाइस पंडित जी ने बात कही वो देखो कितनी अच्छी गई कि फलदार पेड़ ही झुकता है हमेशा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जापान में ना जितना जो जितना सीनियर होता है ना वो उतना ही ज्यादा नीचे होके बो करता है ना वो बात तो है। ये तो मतलब अगर मैं ज्यादा सीनियर हूँ और आप लोग मेरे से मिलने आ रहे हो आप लोग हल्के झुको कि मैं आपसे ज्यादा बाहर की तो मतलब वैसे बात कहते हैं इंडिया तो देखो है सबसे बढ़िया महान अपना देश पर बाहर मैंने एक चीज और देखो अरे बेटा किसी भी उससे ना वो मत करो कंपेयर हरेक की पॉजिटिविटी लो ना ना जी इंडिया बेस्ट है हमारा इंडिया ऑन टॉप जाएगी जाएगी। हम किसी बच्चे से भी अगर सीखना हो ना हमें तो वो भी हमें सीखना चाहिए हमेशा सही बात है क्योंकि वो भी कुछ हमें पॉजिटिव सिखा के जा सकता है चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई भी हो। आज हमने ये सीखा गाइस सरप्राइजेस देते रहना चाहिए भाइयों को बड़े बूढ़ों को और अपने छोटे भाइयों को अपनों से सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि सब आपस में प्यार बना रहे जी और एक दूसरे की पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती रहे जी मेन है कि पॉजिटिविटी जी। पंडित जी जय श्री राम जय श्री राम जय बालाजी महाराज जय बालाजी महाराज। यो अगर नवीन भाई व्हाइट शर्ट भैया हमारा व्हाइट शर्ट भाई नवीन भाई ना मुझे दिख नहीं रहा है नवीन है भाई बैठा रहना है। अरे यो मत कुछ मत हटा मत हटा मत कुछ मत हटा एकदम से निकल के जाऊं धप्पा भाई सुनो तो फिर ये हटाना पड़ेगा जब रिएक्शन आएगा नोट ना पूरा खोलूंगा ना तो एकदम से इधर से निकल जाइयो ठीक है कम लोगों को पता भी तो लगे भाई कि रिएक्शन क्या था विदाउट रिएक्शन तो फिर वीडियो ट्रेंडिंग कैसे आएगी जूम करके इससे मैं गाड़ी के पीछे छुप जाऊं पहले हां हां तू तो पहले तो उतर जा नहीं नहीं जी यहां से फिर रिएक्शन देते यहां से आएगा तो ये हटा दूंगा मैं एक काम करूं हां ये एकदम से तू हटा दियो थारी चीज एक एक ही उसको होनी चाहिए ऐसे हटा है यहां से हटेगा आ जा आ गया पहले पंडित जी उतर रहे हैं पंडित जी और फूफा जी गए पहले माहौल सेट करने रुक जा मत उतरना मेरे जा तू साथ साथ उतरियो ठीक है बड़े भाई के पैर छुलो ना भाई कोई दिक्कत नहीं आए थे काम देनु के काम देनु का आया यहाँ एक तो उसके दर्शन करने आए थे तो ये जाना यहीं से था फिर मेरे याद आ गई मगर नवीन भी यही है चल मामा दिखाऊं मैं चलो तो मगर यहाँ पर पीजी चिना जा रहा है अपने बना रहे हो बिल्डर साहब को फ्लोर ले भाई बिल्डर फ्लोर जिसने भी चाहिए नवीन भाई तो ले लो
भाई कामधेनु माता की जय हो, जय माता दी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। भाई कटारी हाथ जोड़ ले भाई, जय भाई साहब हाथ जोड़ लो, कामधेनु माता की जय हो। जय जय श्री राधे ये है ऑपरेशन थिएटर, ये ऑपरेशन थिएटर गायो का ओके जी आज, ये है मेडिकल दवाइयों का, ये दवाई दवाइयां है सारी अंदर, अंदर आ जाओ, ये भाई सारी दवाइयां देख लो, ऐसे होता है हॉस्पिटल, ये सभी दवाइयां हैं, आप सभी दाने से सही हो गए, बहुत बढ़िया। रात्रि का समय में इमरजेंसी हो जाए, गौ माता कोई परेशानी हो जाए तो नो नहीं कहानी पड़े, दवाई हमारे पास नहीं है, ये सभी ही गो भक्तों का सही हो गए भाई, बहुत बढ़िया जी। आओ ये भाई सारी अपनी गौ माता जितनी भी गाय है, अच्छा सारी ये उपचार दी नहीं, ओके ये सारी बीमारी इनको ठीक कर रहे हैं यहाँ पे भाई, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं यार, गायों का हॉस्पिटल है, समझ गया, गौ माता होगा, लो जी पूरी सुविधा मिल रही है इधर तो, ना अभी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये, अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है, अंदर भी काम चल रहा है, जैसे वो आता है ना जो अपने सुनील भाई है, उन्होंने प्रण लिया हुआ है जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नंगे पैर रहते हैं वो, अच्छा जो भी दान पुण्य आता है उसके सारे चलता है भाई, गौदान महादान, गौदान से है ना जन्म जन्मांतरों के वे मिट जाते हैं कष्ट, कर्ज होता है ना, ज्यादा कर्ज होता है ना तो उससे गौदान करवाया जाता है, गौदान, इधर नील गाय भी है, नॉर्मल गाय के अलावा नील गाय भी है, ये तो डेंजर होती है भाई, डार्क जो ग्रे है, अच्छा ये नील गाय है, ये दिखाता हूँ भाई, नील गाय देख लो जिसने नहीं देखी, ये वाली अलग सी है जो, ये तो रखनी होती है फुफा जी ध्यान से, ऐसी लगते हैं हिरण जैसी, ये तो छोटे हैं, हाँ ये तो बड़े ऊंचे ऊंचे हो जाती हैं, भागने की तकलीफ होती है इनकी, देखो कैसे उछाल देते हैं रोड पे भाई, गौ माता का नाम लो और जिंदगी में आगे बढ़ते चलो, जय गौ माता, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जय गौ माता की। तो दोस्तों ये था एलवी श्रॉफ का न्यू व्लॉग, जहां पर उन्होंने फ्रैंक सरप्राइज किया अपने भाई को, और उसके बाद गायों का जो हॉस्पिटल है जहां गायों की सेवा हो रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यार, मतलब दवाइयां हैं, गायों का ऑपरेशन होता है, बहुत बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों आपको कैसे लगा ये व्लॉग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, तो बने विशाल के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी अगली रिएक्शन वीडियो में, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।